द कोर आइस में आपका स्वागत है। इंडिया एयरबुक के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी पर है। इनमें हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो नॉर्मली लक्ष्मीकांत में नहीं है और जहां अपडेशन हुआ है, उन क्वेश्चंस को हमने लिया है। इस क्वेश्चन की PDF जो यूट्यूब पर ये वीडियो चल रहा है उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उससे जस्ट पहले लिंक्स दिए गए हैं, उन लिंक से आप क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होता है? मिनिस्टर हु आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, ये तीनों ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होते हैं। और जनरली कैबिनेट जो है उसमें सीनियर मिनिस्टर होते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं था, परंतु यह वर्ड बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अंगीकार किया गया है, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू अपर हाउस, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यसभा में के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मुख्यतः जो है अप्रत्यक्ष चुनाव ही होते हैं, परंतु अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, परंतु कुछ असेंबली ऐसे भी है जैसे सिक्किम और नागालैंड जहाँ कुछ सीट्स पर जो है अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी लेजिस्लेटिव काउंसिल पर प्रत्यक्ष तौर पर ही चुनाव होता है तो वो गलत होगा, परंतु सभी राज्यसभा सीटों पर अप्रत्यक्ष तौर पर ही चुनाव होता है क्योंकि राज्यसभा जो है स्टेट्स का प्रतिनिधि है। सेकंड है, अगर ये पहला गलत है तो ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक आंसर बी है। फिर भी हमें पढ़ना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट, राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है अतः वो डिजॉल्व नहीं की जा सकती, तो सही है। मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरीज आर चूजन इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रिस्क्राइब, यूटी के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए जो सदस्य हैं वो उस तरह चुने जाते हैं जैसे पार्लियामेंट का कोई जिसके द्वारा जिस पर पार्लियामेंट का कोई कानून है, यह सही है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, ऑल लेजिस्लेशन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सभी कानून के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, सही है। इन द केस ऑफ मनी बिल द विल ऑफ द लोकसभा प्रिवेल, मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा जो है सर्वशक्तिमान है, सही है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स प्रत्यायोजित कानून इज नॉट सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड कंट्रोल बाई पार्लियामेंट, प्रत्यायोजित कानून पर सदन का कोई नियंत्रण और वह उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, गलत है। प्रत्यायोजित कानून वो होते हैं जिस पर पार्लियामेंट खाका तैयार करती है और पास करती है और एग्जीक्यूटिव नियमों के द्वारा खाका को जो है देखते हुए उस पर नियम बनाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग लाइसेंस वगैरह के लिए रूल्स बनाता है, परंतु अल्टीमेट अथॉरिटी जो है उस पर कंट्रोल की पार्लियामेंट की ही है, अतः यह ऑप्शन जो है रॉन्ग है। तीसरा रॉन्ग है, तो ये गलत है, ये गलत है, परंतु एक और दो सही है, इसलिए आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस जो है किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा न कि लोकसभा के द्वारा, और अब तक जो है 17 है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस जो है आयोजित हो चुकी है, और इनका पर्पज है एस्टेब्लिशिंग सुटेबल लिंक्स अमंग द विप्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेंटर एंड द स्टेट यूनियन टेरिटरीज हु आर कंसर्न्ड विद द प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर्स टू डिस्कस मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो पार्टियों के विप हैं उनकी यह कॉन्फ्रेंस है तथा जो सामान्य हित के मुद्दे हैं उन पर जो है इसमें डिस्कशन होता है, यह मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा आयोजित होती है, अतः आंसर है इसका
B. Next question. Which institution of India ensured that President, Vice President and Ministers are kept informed of the major activities of all ministries, departments by means of monthly summary of their activities? भारत सरकार का कौन सा विभाग है जो सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य मिनिस्टर जो हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी हो रही है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की, उनके बारे में उनको सूचना मिलती रहे? पीएमओ ये नहीं है, यह बाद में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर है, जिसकी अध्यक्षता करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। और यही कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसके बारे में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, जो नेशनल केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसके तहत जो रासायनिक हथियार है उनके बारे में निगरानी का कार्य भी यही कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करता है, जो सिविल सर्विस बोर्ड का भी जो है एक्स ऑफिशियो जो है चेयरमैन होता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी काम है, पहला, सेक्रेटरी अटेंड्स टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को जो है सचिवालय सहायता प्रदान करना, तथा रूल्स ऑफ बिजनेस यह इसका जो काम है, तथा यह सचिवालय जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 फैसिलिटिंग स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाई इंश्योरिंग एडहेरेंस टू दीज रूल्स। जो रूल्स हैं 1961 के, उनके बारे में विभिन्न मंत्रालय अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह भी काम कैबिनेट सचिवालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है होम, गृह मंत्रालय के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत। गृह मंत्रालय के तहत अगर हम देखें तो इसी के तहत आंतरिक सुरक्षा का विभाग, इसी के तहत राज्य विभाग, स्टेट से संबंधित विभाग, इसी के तहत राजभाषा विभाग, इसी के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ होम गृह विभाग, तथा इसी के तहत जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों का विभाग, तथा इसी के तहत जो है सीमा प्रबंधन संबंधित विभाग भी इसी के तहत है। परंतु यह हमें याद रखना है कि जो राष्ट्रभाषा पर समिति है उसका चेयरमैन होम मिनिस्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन वॉज सेटअप एज एन ऑफिस ऑफ दी, यह हमने पहले भी देखा था, यह जो है कैबिनेट सचिवालय के तहत है। ओरिजिनली इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, पर सन 2000 में इसको जो है संवैधानिक दर्जा, स्टेट्यूटरी स्टेटस जो है प्रदान किया गया। और यह जो है केमिकल वेपन कन्वेंशन जो भारत ने हस्ताक्षरित किया है उसके तहत जो है नियम व कानून का मॉनिटरिंग करने का यह संस्था जो है कार्य करती है। और यह कैबिनेट सचिवालय के तहत ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीग्राम, जो सार्वजनिक जो शिकायतें हैं कवर उनको जो कवर करता है, और जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों से, वह कौन से मंत्रालय और विभाग का पार्ट है? तो सीपीग्राम है, यह जो विभिन्न शिकायतें दर्ज की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ विभिन्न मंत्रालयों और उससे संबंधित उनको ट्रैक करता है, तथा नागरिकों को नागरिक आधारित शासन प्रदान करने में मदद करता है। यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डीओपीटी के तहत है। यही डीओपीटी जो है वह जब यूपीएससी रिक्रूटमेंट करती है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का, तो उसका जो है फाइनली नियुक्ति देने का कार्य भी इसी विभाग का है। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति इज चेयर्ड बाय, हमने देखा था कि डिपार्टमेंट जो राजभाषा विभाग है वो कहाँ किसके तहत है, वो डिपार्टमेंट ऑफ होम के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ होम तो एक डिपार्टमेंट है, परंतु इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो केंद्रीय समिति है हिंदी समिति, वह उसकी अध्यक्षता
प्राइम मिनिस्टर करता है और इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी। और उसके बाद कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की जो स्थापना है वह उसकी स्थापना जो है 1976 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो CEC होता है, उसके नीचे इलेक्शन कमिश्नर होता है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनल कमिश्नर का प्रावधान है जो अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन अपनी डे टू डे एक्टिविटी तथा इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है स्टेट में अपॉइंट कर सकता है और इसका अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, न कि प्राइम मिनिस्टर और SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और मुख्यतः जो है यह चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वह एक सीनियर सिविल सर्वेंट होता है जिसका फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट और वगैरह में जो है उसका बहुत ज़्यादा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप एक्ट, जो नागरिकता अधिनियम है जिसमें भी 2019 में संशोधन किया गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द अमेंडेड एक्ट मेक्स फॉरेन इलीगल माइग्रेंट ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पर सब कुछ सही है परंतु यहाँ देशों के नाम गलत है। यहाँ श्रीलंका जो है इसके तहत शामिल नहीं है, न ही इसके तहत पाकिस्तान शामिल है। यह जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो ये 6 समुदायों के लोग हैं जो वहाँ पर प्रताड़ित किए गए हैं और जो इंडिया में आए हैं उनके लिए प्रावधान करता है। अतः पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, एक्ट इज एप्लीकेबल टू दोज हु हैव टेकन शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू प्रोजुगेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और फियर ऑफ सच प्रोजुगेशन इन देयर कंट्रीज एंड हैव एंटर्ड इन टू इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2019। यह बिल 2019 में पास हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि कट ऑफ डेट जो है यहाँ 31st December 2019 है। ये स्टेटमेंट यह कह रहा है कि वो नागरिक जिन्हें तड़फाया गया है उनके होम कंट्री में, जो 31 दिसंबर 2019 से पहले भारत आ चुके हैं, उनको यह संशोधित अधिनियम नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। परंतु यह कट ऑफ डेट 2019 नहीं है बल्कि यह कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है। अतः इसका आंसर है डी। इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि UPSC इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमें फंसाता है। हमें नॉलेज बहुत है परंतु ये सिली मिस्टेक्स हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते और इस कारण कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन से हमारा PT रुक जाता है। इसके लिए हमें डेली जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस संदर्भ में द कोर IAS के द्वारा डेली 5 करंट बेस्ड MCQ जो है वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमने इंडिया एयरबुक का भी जो है सीरीज चालू की है और होप कि आप लोग 45 डे स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए, जो 25 मार्च से चालू हुई है और 8 अप्रैल को जो है समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी करंट से ही है। सिटीजनशिप एक्ट एज अमेंडेड बाय द सिटीजनशिप बिल 2019 इज नॉट एप्लीकेबल टू, नागरिकता अधिनियम जो 2019 में संशोधित किया गया है वह कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम। इसमें से जो हम श्योर हैं कि यह जम्मू कश्मीर पर तो अप्लीकेबल है तो तीसरा नहीं हो सकता, तो आंसर बचा B और C। फिर यह जो है उन राज्यों पर अप्लीकेबल नहीं है जहां इनर लाइन परमिट है और 6ठी अनुसूची में जो राज्य हैं उन पर भी जो है यह एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ सिक्किम में ये एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आंसर जो है वह सिक्किम जो है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। सिक्किम जो है वह भी 6ठी अनुसूची में है और यह जो है त्रिपुरा में है एप्लीकेबल है। आंसर आता है C। द प्रोविजन ऑफ एक्ट डो नॉट अप्लाई टू असम,
मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो छठी अनुसूची में हैं तथा जो छठी अनुसूची में राज्य हैं जहाँ इनर लाइन परमिट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन पर यह लागू नहीं होता है। तो सिक्किम में तो यह लागू है, तो इसलिए सिक्किम में अगर लागू है तो बी नहीं होगा। तो हम सही बोल रहे थे, तो इसका आंसर है जो है 1, 2, 4। ये करंट का क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है और ये इंडिया एयरबुक में है। जिन लोगों को PDF चाहिए वो PDF नीचे दिए गए डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, या द कोर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी है, अवेलेबल है। और उस PDF में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, या हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो नॉर्मली हमें लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते हैं। प्लस जो PDF है क्वेश्चंस की, उनमें जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो हमें लक्ष्मीकांत में मिल जाते हैं, ईयरबुक में भी है, उनका भी डिस्कशन किया हुआ है। द यूट्यूब चैनल जो है द कोर है, इसका उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इसी तरह के और जो है क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी डायरेक्शन हम आपको उपलब्ध करवा पाएँ। थैंक यू।